जैसे मोटरसाइकिल चले लगते ना फिर ठीक हो जाते हैं। अभी रुक कर ना देखा आपने, सब लोग जा रहे हैं शादी में और सिर्फ मैं बची हूँ घर में। आप लोगों को तो बताया ही नहीं कि मैं कहीं जाती नहीं, कहीं भी मेरा जाना नहीं होता है ऐसे कोई भी रिश्तेदारी में। ज़्यादातर मैं अपने मायके जाती हूँ, मम्मी के घर। इसके अलावा मैं कहीं जल्दी ऐसे नहीं जाती। और सभी लोग गए शादी में, सो देखा ही आपने। अभी मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आज ना मैं बाल धुली हूँ, दरअसल मेहंदी लगाई थी। तो मेहंदी लगाई थी ना, मैं ऐसे ज़्यादातर मेहंदी का एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ मेहंदी के साथ। तो आज मैं लगाई थी, जैसे पत्ते वाली मेहंदी होती है ना उसको लगा करके, उसमें ना एक पैकेट 10 रुपए वाली एक मेहंदी का पाउडर मेहंदी पीस के, उसमें पत्ते वाले मेहंदी जो पीस के रखी थी उसमें मिला दी। जिससे ना अगर आप सिर्फ पीसे हुए मेहंदी लगाते हो ना पत्ते वाले से, तो अच्छे से बाल में लगाने में नहीं बनता और कहीं भी लगाते हो तो वो गिर जाता है। तो अगर उसमें आप थोड़ा सा भी 2-3 चम्मच भी अगर आप पाउडर मेहंदी पाउडर मिला देते हैं तो लगाने में अच्छा बनता है और गिरता भी नहीं और चिपके रहता है। तो वही लगाई, उसके बाद बाल धुली थी और उसके बाद तेल लगाए। और बाल तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को सैटरडे है कल, तो ऐसे तो सैटरडे को भी बाल धुलते हैं, गुरुवार को बाल नहीं धुलते हैं ऐसा कहते हैं घर में। लेकिन कब फ्राइडे सैटरडे को बाल धुल लेते हैं। और तो कल शैम्पू कर लूँगी, आज तो सिर्फ पानी से धुला था, उसके बाद कल अब शैम्पू से धुलूँगी। और काम ऐसा मेरा कुछ है नहीं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा दिखाऊँगी, बहुत वही डेली रूटीन चल रहा है तो क्या दिखाऊँ। और अभी छत पे भी जाना है, छत पे भी कुछ सामान है जो हटाने हैं। धनिया दी थी मैं धुलने के लिए, धनिया साबुत धनिया, उसका पाउडर बना लूँगी, खुद से बना लेती हूँ मैं मिक्सी में डाल करके पीस के। और जैसे बहुत धूप अगर नहीं हो रहा होता है तो कढ़ाई में भून के पीसती हूँ, नहीं तो धूप अच्छा है तो ऐसे ही पीस जाता है फिर। तो अभी भी ठंड गई नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं रजाई में, रजाई नहीं है ये कंबल है, यहाँ पे नीचे का रूम है ये, तो यहाँ पे कंबल ही रहता है, रजाई नहीं रखी हुई मैं, क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं, इसमें कोई बैठता ही नहीं है। अभी ठंड सर्दी के मौसम में या तो मैं धूप में रहती छत पे चटाई बिछा के, और उसके बाद रात में रूम में अपने, नहीं तो जो बाकी जो समय बचता है वो इसी रूम में, ये रूम काफ़ी ठंड होता है, तो इस वजह से जल्दी ठंड के मौसम में कोई भी नहीं बैठता है इसमें। अगर आप लोगों के पास मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर तो समस्या समाधान है अगर आपके पास मेरी, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं मैं क्या करूं। मेरे घर के पास में भी शादी है 21 तारीख को, और मैं अगर हो सके तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो के ज़रिए। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अपने जैसे रोड से गुजरेंगे तो शायद मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर छुपा के दिखा के नहीं बना सकती ना, तो छुपा के अगर बनाई तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और उसमें मैं नहीं जाऊंगी शादी में,
लेकिन हमारे घर में जाएंगे क्योंकि मम्मी तो चली गई और जो भी है वो जाएंगे और रहेंगे, लेकिन मैं तो जाऊंगी नहीं। और वहाँ से हमारे यहाँ जब भोज होता है ना, तो उसमें जो बहू होंगी मेरे लिए, अगर जो नहीं जाती हैं, सबको नहीं दिया जाता है, लेकिन जो अपने गुतिया में होते हैं या ऐसे कुछ होता है, तो उनको खाना घर तक पहुंचाते हैं, घर की औरतों के लिए जो नहीं जा सकती हैं या जाती हैं, तो उसी में मेरे लिए खाना आएगा। और खाना आएगा तो कैसे आएगा, क्या आएगा, वो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा अच्छा नहीं भी लगता है कि ऐसा सो। अब जा रही हूँ छत पे, बहुत शाम हो चुका है, धूप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। छत पे जाते हैं, कुछ सामान जो था हटाने के लिए उसको हटाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, उसी घर में शादी है, जो पीला वाला टेंट लगा हुआ है ना, उसी घर में शादी है। और आगे भी मैं दिखाते जाऊंगी, उसमें अगर कुछ भी दिखाई देगा तो।